Dear students, today we will go with the numerical which is based on the magnetic effect of electric current. Now we'll see the numerical. A current of 5 ampere exists in the loop as shown in the figure. The wire AB has a length of 25 cm and lies in a magnetic field of 0.40 tesla. What is the magnetic force acting on the wire? 0.05 newton, 0.5 newton, 0.25 newton and 0.025 newton. Now if we go with the numerical, तो इसमें हम देखें तो यहां पे क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करना है. मैग्नेटिक फोर्स और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. करंट आपका ऐसे फ्लो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर में. तो फोर्स इज इक्वल टू, हमारे पास में एक फॉर्मूला है, बी इंटू आई एल साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट. इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, वो 90 डिग्री बन रहा है आपका. और करंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर. मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दिया हुआ है 0.40 टेस्ला और लेंथ भी दी हुई है. तो लेंथ जो है आपको 25 सेंटीमीटर. अब ऑल द वैल्यूज आर गिवन टू अस. सिंपल आपको मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना है. ये एक बैटरी कनेक्ट कर दी इसने कंडक्टिंग वायर को करंट फ्लो करने के लिए. तो यहाँ पे करंट आपके सामने है एफ, मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका 0.40 टेस्ला, करंट 5 एम्पियर है, लेंथ आपका 25 सेंटीमीटर है. इट इज 25 सेंटीमीटर. तो इसको मीटर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं. और साइन थीटा दैट इज, यहाँ पे साइन 90 ले ले हम, तो साइन 90 इक्वल टू आपका होता है 1. तो आई एम डायरेक्टली पुटिंग इट हियर 1. तो यहाँ पे सिर्फ आपको अब कैलकुलेशन करना है. तो इसको देखें आप, तो ये हो गया आपका 40 इंटू 5 इंटू 25 अपॉन 100 इंटू 100. तो ये 25 से 4 टाइम कैंसिल हो रहा है और ये आपका 10 टाइम्स और ये आपका फिर 10 टाइम्स. तो ये 5 अपॉन 10 आ रहा है, मीन्स 0.5 न्यूटन. द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन और आपके कंडक्टर की डायरेक्शन तीनों आपके सामने है. तो यू कैन डिटरमाइन द फोर्स विद द हेल्प ऑफ बी आई एल साइन थीटा. तो साइन थीटा की वैल्यू हमको मिल गई 90 डिग्री. तो हमने फोर्स को कैलकुलेट कर लिया है, फोर्स आपका 0.5 न्यूटन आ रहा है. तो एक इस क्वेश्चन में भी ऑप्शंस नहीं है, तो इट विल बी वर्किंग एज अ न्यूमेरिकल, आपके लिए न्यूमेरिकल जैसा काम करेगा. और यदि ऑप्शंस दिए हैं तो ये एक एमसीक्यू बन गया आपके सामने. तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कैपेसिटी डेवलप कर लेते हैं, तो एमसीक्यू ऑटोमेटिक आप सॉल्व कर सकते हैं. तो इस प्रकार से आप कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे जेई और या नीट हो, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. इस प्रकार से आपकी अपनी प्रिपरेशन करते रहें.